हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा घर पे कैसे तुम मोमो, चिकन मोमो घर पे आसानी से बना सकते हैं। इसलिए मैंने अभी 250 ग्राम मैदा लिया है, उसमें था हम ऑयल ऐड करते हैं खस्ता देने के लिए। और उसमें अभी हम 1/2 चम्मच नमक डालेंगे, मैदा ऑयल को अच्छे से उसको मिक्स कर देंगे। अभी उसको हम 5 मिनट के लिए उच्चा अच्छे से मिक्स करेंगे, मैदा और ऑयल पूरा अच्छे से जैसे मेल हो जाए। अभी मैंने ऑयल और मैदा को पूरा अच्छे से मैंने मिक्स कर दिया है, और अभी उसमें हम पानी ऐड करते हैं। अभी उसमें हम पानी डालेंगे, उसको अच्छे से मिक्स करेंगे। आटा जैसे गूंदते हैं ऐसे ही गूंद रहे हैं, उसमें कोई अलग नहीं, पूरा आसानी से उसको बनेगा हमारा। आप ऐसे रख लेंगे, उसको देखने के बाद आप घर से पूरा अच्छे से मोमो बना सकते हैं, बाहर से खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं। अभी मैंने मैदा को पूरा अच्छे से गूंद दिया है, ये देखिए अभी बहुत मुलायम बना है, ज़्यादा हार्ड भी नहीं बना है, मुलायम बनेगा तो उसको हम उसको फोल्ड करने में अच्छा रहेगा। ये याद रखना, मोमो को फोल्ड करेंगे हम, इसलिए पूरा अच्छे से उसमें मुलायम तरीके से उसको गूंदना है। वही चलते हैं अगले स्टेप की तरफ मोमो बनाने के लिए। अभी मैंने मैदा को अच्छे से गूंद लिया है। अभी मैंने 200 ग्राम इधर चिकन लिया है, उसको अच्छे से हमें ग्राइंडर से उसको पूरा रोस्ट कर। अभी मैंने चिकन को मिक्सर में डाल दिया है, उसमें थोड़ा मैंने कच्चा धनिया डाला है, धनिया का पत्ता। उसमें हम 1/2 चम्मच नमक डालेंगे और 1/2 चम्मच मिर्ची पाउडर डालेंगे, उसमें 1/2 चम्मच जीरा पाउडर डालेंगे उसमें। अभी उसको हम ग्राइंड कर लेंगे। अभी मैंने चिकन को अच्छे से ग्राइंडिंग कर लिया है, उसको अभी थोड़ा मसाला से उसको हम फ्राई करेंगे। अभी मैंने गैस पे कढ़ाई रखा है, कढ़ाई भी हमारा गर्म हो गया है, उसमें थोड़ा हम ऑयल डाल देते हैं। अभी हमारा ऑयल गर्म हो गया है, अभी उसमें प्याज डालेंगे, उसको अच्छे से थोड़ा चम्मच से हिला देंगे। उसमें आँच हमेशा धीमी रखने का, चिकन फ्राई करते समय आँच को पूरा धीमी रखती है, ज़्यादा बढ़ाइए ना, लो फ्लेम में उसको बनाएंगे। अभी हमारा प्याज पूरा रेड हो गया है, अभी उसमें 1 चम्मच हमें लहसुन का पेस्ट और 1 चम्मच अदरक का पेस्ट डालते हैं, फिर उसका अच्छे से मिक्स कर देंगे। आठ मिनट के लिए उसको छोड़ दीजिए। अभी 1/2 स्पून हल्दी हम उसमें डालते हैं, फिर उसको अच्छे से मिक्स करते हैं। हमारा मसाला भी 50% हो गया है, उसमें हम थोड़ा जीरा पाउडर और थोड़ा मिर्ची पाउडर और थोड़ा कश्मीरी मिर्ची पाउडर और थोड़ा धनिया पाउडर मिलाते हैं, उसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। ज़्यादा मत डालना, पूरा 4.1 हिसाब से उसको डालने का, 4 भाग से 1 भाग ही उसमें डालने का, नहीं तो टेस्ट खराब हो सकता है। अभी हमारा मसाला हो गया है, अभी उसमें हम चिकन को डाल देंगे, फिर उसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अभी हमारा चिकन मसाला पूरा बन के तैयार हो गया है, अभी हम मैदा को छोटे छोटे शेप में उसको राउंड शेप में बनाएंगे और उसके अंदर उसको डालेंगे। चलते हैं अगले प्रोसेस के लिए। अभी मैदा का पूरा ऐसे राउंड शेप में बना दीजिए, राउंड शेप बनाने के बाद उसके अंदर चिकन मसाला ऐसे रखिए उसके अंदर, फिर उसको हम फोल्ड करेंगे।
देखिए इस तरह ही फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद उसको थोड़ा अंदर ऊपर से घुमा दीजिए, ये लॉक हो जाएगा और खुलेगा नहीं आपका। आपको इसी डिजाइन में भी बना सकते हैं, मैंने एक राउंड शेप में दिखाया था, अभी इस शेप में भी आपको दिखा रहा हूँ। ये आसान तरीका है, वो उसको भी कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं। अभी मैंने एक मल्टी कुकर लिया है, उसमें हमने हमारा पानी भी गर्म हो गया। आप इडली छाछ में बना सकते हैं, मैं अभी मल्टी कुकर में उसको बना रहा हूँ। अभी हमारा पानी गर्म हो गया है, अभी उसके ऊपर हम मोमोज को रख देंगे। अभी मोमोज को हमने उसके ऊपर रख दिया है, अभी उसमें हम ढक्कन दे देंगे और उसको आप 10 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, आपका मोमो बनकर तैयार हो जाएगा। है ना, अभी हमारा मोमो बनकर तैयार हो गए, अभी उसको हम प्लेट में रख लेते हैं। अभी हमारा मोमो बनकर पूरा तैयार हो गया है, देखिए कितना अच्छे तरीके से हुआ है। आप उसको घर पे जरूर ट्राई कीजिएगा और आप लोगों को खिलाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो पर।